वेलकम टू एवरीबॉडी, लक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ओवरहेड कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी और भी पढ़ना है, हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाते चलेंगे और उसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओवरहेड वायर जो रहता है, जिसको कि आप ओवरहेड कंपोनेंट बोलते हो या इक्विपमेंट बोलते हो, तो मतलब जैसे कि आपका हो गया क्या कॉन्टैक्ट वायर या मैसेंजर वायर, ठीक है, या ट्रॉली वायर। तो उस वायर को या को सपोर्ट कौन देता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इनडायरेक्टली अगर बात किया जाए कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे पोल के बारे में, मस्त के बारे में, या फिर जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट का या कॉन्टैक्ट वायर का, तो कैसे मतलब किसको सपोर्ट, किसके सपोर्ट के सहारे हम लोग उसको इरेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में ही हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो तीन टाइप का होता है, जैसे कि आपने एक तो देखा ही होगा जब पढ़ रहे थे हम लोग असेंबली के बारे में, जिसमें कि ओवरहेड वायर को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कैंटिलीवर असेंबली जिसको कि आप बोल रहे थे। तो उसमें भी आप देखे थे कि एक पोल था। तो आप अलग अलग प्रकार के पोल कह सकते हैं या मास्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, क्लियर। आइए देखते हैं हम लोग। ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है, बहुत अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होगा हमारा क्या ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। किस किस कितने प्रकार के होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अगर देखिए, मेन वर्टिकल सपोर्ट्स आर कॉल्ड एज अ मास्ट टू विच कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर सपोर्टेड। देखिए, जो मेन सपोर्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट, या उसको आप पोल बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे आपने ध्यान से अगर याद होगा आपको कैंटिलीवर असेंबली, तो देखिए यहाँ से कुछ हम लोग ऐसे कर रहे थे और यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा करके वायर को यहाँ ले रहे थे, याद है कुछ, और यहाँ से हम लोग एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ले रहे थे जहाँ से कि हम लोग मैसेंजर वायर या कैटनरी वायर को कर रहे थे, और यहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट वायर को हैंग कर रहे थे या इरेक्ट कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये हो गया। तो इसका मेन सपोर्टिंग हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये पोल, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, मास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके सहारे हमारा क्या होता है, मैसेंजर वायर या फिर कॉन्टैक्ट वायर, मतलब दोनों इसी पोल के सहारे हमारा स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, क्लियर है। यहाँ पे आगे बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पोल या फिर मास्ट। अब इसी के नीचे आप देखिएगा ये कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है, जो कि 1.25 के आसपास, 1.25 के आसपास में हमारा नीचे कंक्रीटिंग किया हो रहा है, ठीक है। ये डेटा है, एक बार देख लीजिएगा, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आर सपोर्टेड एंड, हाँ, कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर सपोर्टेड एंड और कॉन्टैक्ट वायर विथ सम मैकेनिकल एसेसरीज इज कैप्ट एज हॉरिजेंटल एज पॉसिबल विथ नो सैग टू अवॉइड स्पार्कलेस करंट कलेक्शन बाय पेंटो, या आप इसी को पेंटोग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कहने का मतलब हुआ कि जो आपका कॉन्टैक्ट वायर रहता है वो आपका क्या रहता है, हॉरिजेंटल रहता है। हम, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि कॉन्टैक्ट वायर आपका वर्टिकल रहेगा, तो संभव है क्या, हमारा करंट कलेक्शन संभव हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है या मैसेंजर वायर रहता है, वह मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि वह हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटल। प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्या मतलब, हमेशा हमारा हॉरिजेंटल ही रहता है, तब जाके हमारा क्या होगा, पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन कर सकता है उससे आसानी से, क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं अलग अलग एसेसरीज के सहारे हमारा जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है, ये जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है, इस कॉन्टैक्ट वायर को अलग अलग एसेसरीज के सहारे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटली स्ट्रिंगिंग करते हैं या इरेक्ट करते हैं, क्यों, ताकि हमारा स्पार्कलेस करंट कलेक्शन हो पाए, ठीक है। जो करंट कलेक्ट करेगा पेंटोग्राफ, उसमें किसी तरह का कोई स्पार्किंग जनरेट नहीं हो या स्पार्किंग नहीं हो, क्यों, अगर मान लेते हैं कि पेंटोग्राफ या कॉन्टैक्ट वायर के बीच में किसी तरह का कोई स्पार्किंग होगा, तब हमारा क्या होगा, हो सकता है ओवरहेड वायर जो है वह हमारा डैमेज हो सकता है, या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट जो पेंटोग्राफ का स्टैगर हो या पेंटोग्राफ होगा, वह भी हमारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो रहेगा
ओवरहेड वायर या कॉन्टैक्ट वायर वह हॉरिजेंटली प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड स्पार्कलेस या स्पार्किंग, कह सकते हैं टू अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पार्कलेस करंट कलेक्शन के लिए। क्लियर है? किसके सहारे? विद पेंटोग्राफ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हॉरिजेंटल बिछाने का रीज़न जो होता है, हॉरिजेंटल स्ट्रिंगिंग करने का या इरेक्ट करने का रीज़न भी ये भी रहता है कि जो सैगिंग होता है, ठीक है, वह सैगिंग हमारा नहीं हो, कम हो। अलग अलग टाइप का जो हम लोग बना रहे हैं ये ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उसका उसके पीछे ये भी एक रीज़न है कि हमारा सैगिंग कम हो, जो सैग होता है वह माइनर हो। क्लियर है? अगर मान लीजिए सैग भी रहेगा तब भी हमारा हो सकता है या तो ओवरहेड वायर मतलब कि कॉन्टैक्ट वायर या फिर आपका पेंटोग्राफ डैमेज हो सकता है। तो सैगिंग को भी अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट वायर को मैकेनिकली किसी मैकेनिकल एसेसरीज के सहारे हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिंगिंग करते हैं या इरेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। थ्री जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूजिंग मास्ट आर गिवन बिलो। देखिए जो जनरल टाइप से आप कह सकते हैं कि मेन जो होगा हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वह हमारा मेनली कितना टाइप का होगा, तीन टाइप का होगा। पहला देखिए, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट का मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल मास्ट होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप देखते होंगे जो रेगुलर आप कह सकते हैं जहाँ पे अप और डाउन लाइन रहा होगा, जिस ट्रैक पे हमारा इलेक्ट्रिफाइड होगा, कह सकते हैं कि जो ट्रैक हमारा इलेक्ट्रिफाइड होगा उसमें आप जनरली देखेंगे कि दोनों साइड से हमारा क्या रहता है, एक इस साइड से और जो अप मतलब अप साइड से रहेगा तब भी हमारा सिंगल सिंगल इंडिविजुअल पोल या मास्ट के सहारे क्या होगा, कैंटिलीवर असेंबली के द्वारा हमारा स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहेगा, जो कॉन्टैक्ट वायर हो या फिर ओवर मैसेंजर वायर हो उसको स्ट्रिंगिंग किया हुआ इरेक्ट किया हुआ रहेगा, और जो डाउन रहेगा उसके उसके साइड में भी हमारा क्या रहता है, मास्ट के सहारे। बट हाँ, इंडिविजुअल मास्ट होता है, एक एक मास्ट रहता है 72 मीटर के स्पैन, जनरल हमारा स्पैन जो होता है 72 मीटर का होता है, तो 72 मीटर पे हमारा क्या रहेगा, एक एक मास्ट यूज़ किया हुआ है और कैंटिलीवर असेंबली के सहारे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट वायर और फिर मैसेंजर वायर दोनों को इरेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या हमारा, स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट। ठीक है, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट कैसा होगा। क्लियर है? डायग्राम में भी देखिए, उसमें भी आपको दिख रहा है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट मास्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये देखिए, इसका भी आप डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से है। इसमें भी आपका ट्रैक जो होता है दोनों साइड से हमारा क्या रहेगा, मास्ट रहेगा, और दोनों साइड से मास्ट रहेगा और बीच में दो ट्रैक, तीन ट्रैक, चार ट्रैक ऐसा आपका हो सकता है। क्लियर, आप देखे होंगे। ठीक है, या डायग्राम में भी देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस टाइप से हमारा हो सकता है, कौन सा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ अपराइट पोर्टल अपराइट मास्ट। ठीक है, तो ये दोनों साइड से हमारा मास्ट रहता है और बीच में हमारा ट्रैक रहेगा और ओवरहेड कंडक्टर वायर हमारा उसी में स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, हर एक ट्रैक के लिए अलग अलग किया हुआ रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस गैप मेंटेन किया जाता है। क्लियर, पढ़ेंगे इसके बारे में एक का। नेक्स्ट हो गया सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ हेड स्पेन मास्ट। इसमें भी देखिए दो मास्ट रहेगा। ठीक है, इसमें भी देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें भी हमारा दो मास्ट रहेगा और दोनों मास्ट जो होगा उसके बीच में भी हमारा ट्रैक रहेगा। देखिए ये और ये दोनों आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन दोनों कंस्ट्रक्शन वाइज अलग है। दोनों में ये आपका सपोर्ट विथ पोर्टल अपराइट मास्ट और विथ हेड स्पैन मास्ट, दोनों में आपका दो दो पोल रहेगा। ठीक, एक पोल इधर से, एक पोल इधर से, लेकिन जैसे ही हम पोर्टल अपराइट मास्ट की बात करेंगे तो ये ऊपर से हमारा किया रहेगा और यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट वायर हमारा इरेक्ट किया हुआ रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पैन मास्ट का तो इसमें क्या रहेगा, ये ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्शन रहता है ये नहीं रहेगा, यहीं से हमारा क्या रहेगा वायर का कुछ इस तरह से बना रहेगा, सपोर्ट दिया हुआ रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ भी रहेगा आपका क्या ड्रॉपर और फिर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना रहेगा। आपको देखिएगा डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इंडिपेंडेंट मास्ट में क्या होगा, पोर्टल अपराइट मास्ट में क्या होगा और हेड स्पैन मास्ट में क्या होगा। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी पहला पार्ट जो था आपका क्या स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट मास्ट जो होता है आपको मैंने बोला होगा
जो आपने पढ़ा था ब्रैकेट असेंबली, वही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसी में हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मास यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाया हूँ, ऐसे आपको जो आपका है स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास उसका डायग्राम आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आप गौर से देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा उसमें क्या क्या है, आप पहले ध्यान से देख लीजिए। ठीक, देखिएगा उसमें कॉन्टैक्ट वायर है, कैटनरी वायर है, फिर अलग अलग तरह के ट्यूब लगे हुए हैं जिसको कि आर्म हम लोग बोलते थे। ये ध्यान से देखिएगा कि कॉन्टैक्ट वायर और जो ग्राउंड है या ट्रैक है वहाँ दोनों के बीच का जो गैप है आप कह सकते हैं 5.5 मीटर है, ठीक। और मास्टिंग किया हुआ है, जो मास्ट है वह ग्राउंड के नीचे आपका बरीड है जो कि 1.95 मीटर है। कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए डायग्राम में सब दिखा लिखा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ, बस रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर। वैच ही मास्ट रखा हुआ है, ठीक। देखिए अब इसको मैं एक रफली डायग्राम के सहारे में आपको समझाता हूँ उस चीज़ को कि क्या है, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा मास्ट हो गया जिसको कि आप क्या बोलते हैं, पोल। ये क्या हो गया, मास्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब नीचे देखिए, ये जो है हमारा कंक्रीटिंग किया हुआ रहेगा, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया कह सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा ट्रैक बना हुआ है और ये ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा क्या होगा, ये कंक्रीटिंग किया हुआ होगा जो कि कितना होगा, 1.95 मीटर। इस डेटा को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो मास्ट होता है ग्राउंड के नीचे कितना मीटर बरीड होता है या कितना बरीड होता है, तो कितना होगा, 1.95 मीटर, क्लियर। अब देखिए ध्यान कीजिए, अब जो ब्रैकेट असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे या स्वेलिंग टाइप ऑफ ब्रैकेट असेंबली भी बोल रहे थे उसको हम लोग, तो ब्रैकेट असेंबली में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या क्या था उसमें, कौन कौन सा नेमिंग हम लोग किए थे या नोमेनक्लेचर जो किए था, जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, कौन कौन सा कंपोनेंट हम उसमें यूज़ कर रहे थे, उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा या पीछे जो आपका लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा, लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। और वही चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, ठीक। अब इस कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या था, इंसुलेटर बना हुआ होगा, ये हमारा इंसुलेटर, ये आर्म को हम लोग स्टे आर्म बोल रहे थे, ठीक। यह आर्म कितना था, स्टे आर्म था, और इसी को हम बोल रहे थे क्या, स्टे इंसुलेटर भी बोल रहे थे, स्टे आर्म इंसुलेटर बोल रहे थे, ठीक। और ये हमारा पोल से या मास्ट से कनेक्टेड था। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ बड़ा था, यहाँ पे ये करीब करीब 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में ये क्या था, ज़्यादा निकला हुआ था, ये बड़ा था। अब ध्यान से देखिएगा कि यहीं पर हमारा क्या था, सस्पेंशन इंसुलेटर लगा हुआ था और उसके सहारे हम लोग क्या किए थे, कैटनरी वायर जो है उसको इरेक्ट किए थे या स्ट्रिंगिंग किए थे या इंस्टॉल किए थे, आप जो भी बोल लीजिए अपनी भाषा में। तो यहाँ पे हमारा क्या था, कैटनरी वायर। अब देखिए कि ये जो आर्म है आपका, ये आर्म है, इस आर्म को हम लोग बोल रहे थे ब्रैकेट ट्यूब। अब ये देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा इंसुलेटर लगा होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट इंसुलेटर भी बोल लेते हैं, हालांकि सेम इंसुलेटर सब यूज होता है, अलग अलग इंसुलेटर कुछ नहीं रहता है। जो डिज़ाइन इस इंसुलेटर का वही इंसुलेटर का डिज़ाइन हमारा यहाँ पर भी होगा, लेकिन नेमिंग हम लोग अलग करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट ट्यूब कहलाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रैकेट इंसुलेटर, ठीक। अब देखिए ये भी हमारा सपोर्ट के लिए ही हुआ। अब ये चीज़ जो हमारा लगा हुआ है इस आर्म को सपोर्ट देने के लिए है। अब इस आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर आर्म, ठीक है। अब इस रजिस्टर आर्म से ही हमारा क्या होता है, स्टीडी आर्म कनेक्टेड होता है। उस स्टीडी आर्म में हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर इरेक्ट किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ही हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट वायर रहता है जो कि हॉरिजेंटली रहता है ताकि हमारा करंट कलेक्शन स्पार्कलेस हो, क्लियर। अब यहीं से हमारा पेंटोग्राफ गुजरेगा। अब देखिए ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर और ग्राउंड लेवल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ट्रैक, ट्रैक जो होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कह सकते हैं या गैप होगा, समझ में आ रही बात। जो मास्ट आपने यहाँ से यहाँ तक करा है तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है और ये ट्रैक के बीच का जो गैप होगा वह आपका 5.5 मीटर होगा। ध्यान रखिएगा ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कितना हो गया ये, 5.5 मीटर, क्लियर है। हाँ देखिए अब इस स्टीडी आर्म जो है, स्टीडी आर्म को सपोर्ट कौन करता है, ये जो लगा हुआ है ये ड्रॉपर के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको असेंबल किया जाता है कि आपका हर एक दूसरे, मतलब ईच अदर जिसको बोलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा। यहाँ से आप कैटनरी वायर को ये आर्म वगैरह सपोर्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट वायर को ये सपोर्ट करेगा, अब इस जो स्टीडी आर्म है इसको आपका ये,
रजिस्टर्ड आर्म सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ये सब क्या करता है कि एक दूसरे से सपोर्ट किया हुआ रहता है, और यही जो है हमारा ओएचई मास्ट। जनरली आपका ये जब आप देखते होंगे ट्रैक के आसपास में, तो ट्रैक के आसपास में हमारा ऐसा ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप सिंगल ट्रैक की बात करते हो या फिर डबल ट्रैक रहता है अप का अलग डाउन का अलग, तो वहाँ पे यही जो होता है स्वेलिंग टाइप ब्रैकेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है विथ इंडिविजुअल मास्ट या विथ इंडिविजुअल पोल, है ना। तो ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर दोनों को सपोर्ट करता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। हाइट ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल ट्रैक इज जनरली, इसको कर लीजिएगा सर, 5.55 मीटर। ठीक है, 5.55 मीटर, है ना, कितना होगा जनरली 5.55 मीटर। सपोर्ट फॉर कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर सोन। देखिए बोर्ड पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरह का हमारा जो होगा इंडिपेंडेंट मास्ट जो होगा, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट कैसा होगा, किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। दी मास्ट इज बरीड अंडरग्राउंड इन सीमेंट कंक्रीट, इन सीमेंट कंक्रीट एंड इरेक्टेड वर्टिकल विच सपोर्ट ओ एच ई विथ मैकेनिकल लिंकेज। क्या कहने का मतलब हुआ समझिएगा, कि जो मास्ट होता है, ये जो मास्ट है, यह मास्ट है जमीन के नीचे, आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे हमारा ये बरीड किया हुआ रहता है, जो कि कितना रहता है सर, 1.95 मीटर। कितना रहता है, 1.95 मीटर जमीन के नीचे ये बरीड किया हुआ रहता है, गरा हुआ जिसको अपने भाषा में आप बोलते हो, ठीक है, जमीन के नीचे बरीड किया हुआ रहता है। और यह जो है वर्टिकल अरेंज किया जाता है या वर्टिकल इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ओवरहेड वायर, ये जो ओ एच ई होगा कॉन्टैक्ट वायर या फिर मैसेंजर वायर, उसको आप हींग कर सकते हैं या आप लटका सकते हैं विथ मैकेनिकल लिंकेज। मैकेनिकल लिंकेज से क्या मतलब हुआ, कि जो यहाँ पे आप इंसुलेटर लगाएंगे, नट बोल्ट लगाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं, या आर्म वगैरह जो रहेगा वो सब मैकेनिकल लिंकेज में आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल मास्ट को जमीन के नीचे वरीड करेंगे जो कि वर्टिकल रहेगा, और इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड स्ट्रक्चर जो भी होगा ओ एच ई, चाहे आपका ये कॉन्टैक्ट वायर या फिर आपका कैटनरी वायर, उसको हम लोग क्या करेंगे, इरेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे विथ डिफरेंट मैकेनिकल लिंकेज। आगे देखिए, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ 25 kV AC। अब इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था, ध्यान से आप अगर, हाँ ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको भेजा था उसमें शायद ये क्वेश्चन था, तो वहाँ पे किसी ने 22 वोल्ट लिखा है, शायद हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो। 22 वोल्ट कभी यूज नहीं होगा सर, जब भी यूज होगा हमारा, देखिए हालांकि ट्रैक्शन में हमारा सिंगल फेज भी यूज होता है, थ्री फेज भी यूज होता है, बताऊंगा इसके बारे में भी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, वो फर्स्ट यूनिट में है शायद वो पढ़ना, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सिंगल फेज भी यूज़ करते हैं, थ्री फेज भी यूज़ करते हैं, इनफैक्ट हम लोग डीसी भी यूज़ करते हैं, और अभी जो प्रेजेंट टाइम है डीसी को धीरे धीरे हम लोग एलिमिनेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली सिंगल फेज एसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा 25 kV सिंगल फेज एसी यूज़ करते हैं, ठीक। थ्री फेज हम लोग जहाँ जनरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ से थ्री फेज लाएंगे। अब इसके लिए भी अलग अलग सब स्टेशन बना हुआ रहता है, जिसको कि हम TSS बोलते हैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन। पढ़ेंगे इन सब के बारे में, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो कैसे हम लोग का जो है ट्रैक, उसके ऊपर जो कंडक्टर बिछा हुआ है वहाँ तक सप्लाई आती है, तो कैसे आती है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें अलग अलग तरह का होता है, फीडिंग पोस्ट होगा, फिर सेक्शनिंग पॉइंट होगा, फिर सब सेक्शनिंग पोस्ट होगा, कुछ इस तरह से हमारा रहता है, और अलग अलग सेक्शन वाइज बटा हुआ है, जिससे कि हमारा सप्लाई जो हमारा ट्रैक रहता है उसके ऊपर जो कंडक्टर बिछा हुआ रहता है वहाँ तक पहुँचता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि 25 kV सिंगल फेज एसी यूज होता है, किसके लिए, कॉन्टैक्ट वायर में जो हमारा सप्लाई रहता है उसमें। तो 25 kV सिंगल फेज एसी, एसी ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई यूजुअली कंसिस्ट of an independent single cantilever mast। ध्यान रखिएगा, देखिए इसी को हम लोग बोल रहे थे swelling bracket assembly या फिर cantilever assembly भी आप बोल सकते थे, इसी का naming हमने करा था। तो यहाँ पे सिंगल मास्ट के सहारे हम लोग क्या किए थे, जो ओवरहेड कंडक्टर है यहाँ पे जो रहता है आपका, जिसको कि आप कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं, वह क्या रहता है, सपोर्ट किया हुआ रहता है। आगे देखिए, दिस
दिस अरेंजमेंट गिव्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस टू ईच ट्रैक। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिकली तो हमारा ये ओवर कॉन्टैक्ट वायर को मिल ही रहा है सपोर्ट, इलेक्ट्रिकली भी सपोर्ट मिलता है। अब ऐसा कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रैक है, चाहे वह अप का ट्रैक है और सिंगल ट्रैक है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा दो ट्रैक है वहाँ पे और दोनों के लिए हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, नहीं। ये जब भी यूज होगा तो सिंगल ट्रैक के लिए होगा। मतलब अब मान लीजिए कि ये जो हमारा ट्रैक है, क्या है, ये ट्रैक है, इस पे ट्रेन आ रही है जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम लोग बस एक सपोर्ट स्ट्रक्चर यूज किए हैं। अब यहाँ पे भी आपका मान लेते हैं कि एक और ट्रैक है, तो नहीं, इसके लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस ट्रैक के लिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके लिए भी हम यही मास्ट यूज कर रहे हैं और इसके लिए भी यही मास्ट को यूज कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए फिर अलग स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, उसके लिए क्या है, अलग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग यूज करेंगे और इसके लिए अलग यूज करेंगे। जैसे आप देखते होंगे जब कभी आप अप का जो ट्रैक होगा उसके लिए सिंगल सिंगल बना हुआ रहता है, जो डाउन का रहता है उसके लिए अलग रहता है, या फिर आपका ये एक ट्रैक यहाँ है एक ट्रैक यहाँ है, तो आप देखिएगा कि ये जो ट्रैक है इसके लिए इस साइड आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये जो दूसरा ट्रैक है इसके लिए आप इस साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ। ऐसा नहीं किया हुआ कहीं आपको मिलेगा कि इधर भी आपका ट्रैक है और यहाँ भी ट्रैक है, तो इधर हम बना दिए एक सपोर्ट के लिए मास्ट लगा दिए और इसी मास्ट से हम इसको इसके लिए भी सप्लाई दे रहे हैं ओवरहेड कंडक्टर में और इसके लिए भी ओवरहेड, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर दोनों को देना होगा तो हम लोग अलग स्ट्रक्चर के सहारे दोनों को दे सकते हैं, ठीक, उसको आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब हुआ कि दिस अरेंजमेंट गिव्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस टू ईच ट्रैक, क्लियर। क्या होगा कि इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली हमारा इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों सपोर्ट करता है ये इंडिविजुअल मास्ट, ठीक, सिंगल ट्रैक सिंगल कंडक्टर और सिंगल ट्रैक सिंगल मास्ट अलग अलग रहेगा, क्लियर। देखिए आगे, कंप्लीट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ हाई टेंसाइल ब्रैकेट ट्यूब एंड एडजस्टेबल स्टे आर्म। देख लीजिए इसमें लिखा होगा आप, देखिए उसमें जो नेमिंग करा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ क्या हो गया, टेंसाइल ब्रैकेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब हमारा ये देखिए, ये सब मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर होगा ये ओवर है, इसमें भी तो वजन होगा सर, वेट रहता है। अब मान लीजिए यही कमजोर रहेगा तो ये तो कभी भी गिर जाएगा नीचे, और ज़मीन नीचे अगर गिर जाता है तो इट मीन्स कि हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये सारे जो ट्यूब बने हुए रहेंगे, जो चाहे ब्रैकेट ट्यूब हो या स्टे ट्यूब हो या स्टे आर्म, सब ट्यूब ही रहेगा, स्टे आर्म हो गया या फिर स्टेडी आर्म हो गया, तो ये सब जो होगा मैकेनिकली स्ट्रांग होगा, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंप्लीट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ हाई टेंसाइल ब्रैकेट ट्यूब एंड एडजस्टेबल स्टे आर्म बोथ हैंग्ड टू मास्ट। सब क्या रहता है, मास्ट के सहारे सपोर्ट किया हुआ रहता है या हैंग्ड मतलब स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, लटकाया हुआ रहता है या टाइट किया हुआ रहता है, जो आप समझिए, है ना, मास्ट थ्रू रजिस्टर आर्म एंड स्टेडी आर्म। देख लीजिए, स्टेडी आर्म और रजिस्टर आर्म, तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर रहेगा जनरली स्टेडी आर्म और रजिस्टर आर्म के सहारे हमारा क्या रहेगा, हैंग्ड किया हुआ रहेगा या टाइट किया हुआ रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है हमारा ये इंडिविजुअल मास्ट के सहारे जो हम ओवरहेड वायर को या कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर। आगे बढ़ें, तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्या क्या है ये, आपका क्या हो गया ओवरहेड मास्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, या पोल आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ये कैंटिलीवर असेंबली बना हुआ है, ये कैंटिलीवर, यहाँ पर से हमारा क्या होगा कैटनरी वायर, यहाँ पर से क्या होगा कॉन्टैक्ट वायर, इसके बीच और ग्राउंड ट्रैक जो रहेगा उसके बीच का गैप कितना 5.5, और ये जो मास्ट हमारा जमीन के नीचे बरीड रहेगा वो कितना 1.95 मीटर। ये हमारा इस तरह का जो आर्म बना हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, लेक्चर में बताया हुआ ऑलरेडी, स्वेलिंग टाइप असेंबली या फिर कैंटिलीवर असेंबली के बारे में हमने बताया है। अब यहाँ से ये जो आर्म है आपका स्टेडी आर्म है, ये हमारा आर्म जो हो जाएगा ब्रैकेट आर्म, ये जो आर्म है आपका रजिस्टर आर्म, और ये जो है स्टेडी आर्म,
ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ इंडिविजुअल मास्ट कंप्लीट होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आए। तो अब इसके दो प्रकार और हैं जो कि हम बताएंगे, एक अपराइट था और एक ओवरहेड के लिए दोनों साइड से पोल था हमारा, स्पैन मास्ट जिसको बोलते हैं। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर को या फिर मैसेंजर वायर को विद द हेल्प ऑफ अ इंडिविजुअल मास्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को रिपीट करके आप देखिए, मतलब एक बार दो बार करके देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता दिया तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 10% समझ में आया, हो सकता है 20% समझ में आया, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आप इसी लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखते हैं तो 100% आपके ये परमानेंट मेमोरी में सेट कर जाएगा। अगर 5 बार 6 बार भी इस लेक्चर को आप देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको ये डायग्राम भी आपके परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा और यह डायग्राम आपको याद हो जाएगा, बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में आप डायग्राम को बना सकते हैं अगर एक बार बनाया हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका।